अनवांटेड 72 या फिर आईपीएल लेने के बाद हमारे पीरियड नहीं आ रहे, हमारी डेट भी मिस हो गई है, हमें पीरियड नहीं आ रहे, या फिर पीरियड डेट से पहले ही हमको इरेगुलर ब्लीडिंग हो गई है, या फिर हमें लक्षण दिख रहे हैं, उल्टी आने वाले, ऐसे थकान लगना, ये सब हमारे अंदर लक्षण आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल सके। तो देखिए होता क्या है कि जब आप आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 लेते हैं तो आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, कई बार वो पीरियड डेट मिस होने के बाद आते हैं, कई बार पहले आ जाते हैं, है ना। तो होता क्या है कि कई बार हम कहते हैं ये विड्रॉल ब्लीडिंग है या फिर पीरियड ब्लीडिंग है, हमें कंफ्यूजन होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 लेते हैं, पीरियड डेट से अगर हमें पहले ही ब्लीडिंग आती है उसे हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहेंगे। होती वो पीरियड वाली ही ब्लीडिंग है क्योंकि जो यूट्रस की सबसे अंदर की लाइन होती है वही सेड आउट होती है, क्योंकि हमने पिल ले ली है, आईपीएल ले ली है, इस कारण वो पहले ही सेड आउट हो गई है। जिसे बाद में होना था, पीरियड डेट में सेड आउट होना था, निकलना था बाहर, वो पहले ही हो जाती है, जिसे हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। तो इस तरह की इरेगुलर ब्लीडिंग होना कॉमन है, आप टेंशन मत लीजिए। आपको क्या करना है, जब आपने रिलेशन बनाया उसके बाद 21 दिन बाद यानी कि 3 हफ्ते बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, तो आप कंफर्म हो जाएंगी आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। तो होता क्या है कि अगर आप ओवुलेशन डेट पे रिलेशन बनाए रखेंगे और या फिर टैबलेट को लेट में लेंगे तो इसमें क्या होता है कि फेल हो जाती है आपकी जो पिल है, तो इस कारण आपको प्रेगनेंसी भी लग जाती है। तो इसीलिए इसको कंफर्म करने के लिए आपको रिलेशन बनाया है जब आपने, उसके 3 हफ्ते बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, और जो भी रिजल्ट आपको आ रहा है मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे फोटो भेज सकते हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आता पॉजिटिव है निगेटिव है, कई बार हल्की लाइन आती है, तो आप वहाँ पे मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी आपका रिजल्ट क्या है। तो फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और उसे भी फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे भी मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ। और उसके बाद सवाल ये होता है लेडीजों का कि हमने आईपीएल ली, अनवांटेड 72 ली, अब हमें मतलब लक्षण दिख रहे हैं, वॉमिटिंग आ रही है, कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए हैं। देखिए अगर आपने ओवुलेशन डेट पे ली होगी या फिर काफ़ी लेट में आपने जो पिल है वो ली होगी, जैसे आपने रिलेशन बनाया 72 घंटे के बाद ली, कई बार 70 घंटे में 60 घंटे में, इस तरीके से काफ़ी लेट ली होगी पिल, तो आपको प्रेगनेंसी भी लग गई होगी क्योंकि ये फेल हो जाती है, या फिर आप एक्सपायरी डेट वाली ला रहे हैं तो वहाँ पे प्रेगनेंसी आपको लग सकती है ना, 10% इसके फेलियर रेट भी होते हैं। तो हो सकता है उस कारण आपको वॉमिटिंग आ रही हो, थकान लग रही हो, है ना। तो इसलिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया, रिलेशन बनाने के 21 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम रिलेशन बनाने के बाद जब पिल ले लेते हैं तो मन में काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है, आप डिप्रेशन में चले जाती हैं, कहीं प्रेगनेंसी ना लग जाए, इसके बाद क्या होगा करके, तो उस कारण भी आपके पीरियड लेट आते हैं, या फिर ये सारे लक्षण हमारे अंदर दिखते हैं, जैसे थकान लगना है ना, वॉमिटिंग आना, तो वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने के कारण आपको हो सकते हैं। तो स्ट्रेस मत लीजिए, रिलेशन बनाने के 21 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, अगर फेल हुई होगी या फिर आपने लेट ली होगी तो वहाँ पे आपका रिजल्ट बता देगा आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर भी वीडियो है, पूरा प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं, और अपने प्रेगनेंसी टेस्ट किट की फोटो भी मुझे भेज सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट अभी मन में है तो नीचे कमेंट में लिखें, या फिर हमें फेसबुक पेज पे भी अपने सवाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आप लोगों के रिप्लाई देती हूँ। वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।